हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार राणा एंड आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी सिटी एंड आई एम अ सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो हमने अपना पिछले क्लास में चैप्टर 7 केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। जहाँ तक मुझे याद है हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे एमसीक्यू टाइप में, और हम आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा भी एमसीक्यू टाइप ही चल रहा है और ये हमारा टाइप 1 है। ओके, तो एक मिनट चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है वो क्या बोलता है, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू ली चैट लेयर्स प्रिंसिपल, तो ये क्या बोलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन विल चेंज, बट जो हमारा के रहेगा कॉन्स्टेंट वो हमारा सेम रहेगा। ओके, तो ऐसे मैं लिख देता एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन अच्छा will change, but the equilibrium constant remains same। ओके, तो ये हम किसकी बात करें, के बारे में बात करें। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ओके, तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको पढ़ा होगा, आपको तो आपको इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एसीटोन एंड ईथर एट 30 डिग्री सेल्सियस, गिवन दैट अमंग दिस कंपाउंड वाटर हैज अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड ईथर हैज अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला गया है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है। ओके, और हमें क्या दे दिया है, ओके, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करनी है। और हमारे पास क्या दिया है, वाटर दिया है, ईथर दिया है एंड एसीटोन दिया है। तो देखिए पहले लिखते थे वाटर, एसीटोन और ईथर। ठीक है, इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करनी है। तो इसके लिए एक फंडा होता था, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे आप देखेंगे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रेटर बी बॉइलिंग पॉइंट लेस इस बी वेपर प्रेशर। ओके, तो देखिए अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा है तो उस यानी कि उसका वेपर जल्दी बनेगा, तो उसका जो उससे जो प्रेशर बनेगा वो कम आएगा। इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। ओके, तो अगर हम वेपर प्रेशर के हिसाब से देखा जाए यानी कि इसका कन्वर्स भी वी चेक कन्वर्स के। ओके, क्योंकि हमारे बॉइलिंग पॉइंट तो दिया नहीं है, हमें कन्वर्स देखेंगे यानी कि हम उसका वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका हमारा वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, वो सब आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो जो वाटर का होता है वो सबसे कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फिर एसीटोन का होता है और ईथर का सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे दिख रहा है, तो सेकंड इसका। तो आप भी यहाँ पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एट 500 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन इज 5। ओके, तो हमारे पास एक रिएक्शन दी है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट उसकी कुछ कंसेंट्रेशन दी होगी उस टाइम पे, उतना है हमारा 5 KC = 5। तो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केसी। ओके, हमारे पास कुछ इनिशियल रिएक्शन दी है और हमें कुछ फाइनल रिएक्शन दी है, तो इनिशियल यानी इनिशियल रिएक्शन के कांस्टेंट से हमें फाइनल का बताना है। तो देखिए पहले इसमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमें अच्छे से, हाफ ऑफ H2 गैशियस प्लस हाफ ऑफ I2 गैशियस, और वो इक्विलिब्रियम में है HI के साथ, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो यही होगा। ओके, और इसका हमारा केसी की वैल्यू क्या है, 5। ओके, अब जो हमारे पास रिएक्शन दी है दूसरी वाली वो है 2 टाइम्स ऑफ HI, इसको मैं पहली इक्वेशन मान लेता हूँ, और इससे क्या बन रहा है, उसने तोड़ दिया। ओके, प्लस I2 गैसियस,
तो क्या हो रहा है पता है इसमें? उसने पहले फर्स्ट, उसने क्या करा पता है क्या? उसने पहले इंटू टू करा है, यानी इंटू टू वन, यानी इक्वेशन वन में, रुकिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ओके, डू टू इंटू इक्वेशन वन, ओके, उसने टू से इंटू कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा? एच टू प्लस आई टू गिविंग यू एच आई बन जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एच आई। और उसके बाद में उसने रिवर्स कर दिया, देन रिवर्स। जब उसने रिवर्स किया तो वो कैसी हो जाएगी? टू टाइम्स ऑफ एच आई इक्विलिब्रियम विद एच टू प्लस आई टू। ओके, तो उसने देखिए एक मैनिपुलेशन यहाँ करा है, एक मैनिपुलेशन यहाँ करा है। तो आपको पता है जब आप उसमें किसी चीज से इंटू करते हैं तो वहां पे आपकी जो केसी, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पावर में बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे वो पावर में कैसे बढ़ेगा? यहाँ केसी की वैल्यू हो जाएगी 5 का होल स्क्वायर। ओके, और जब आप उसे उल्टा कर देते हैं तो डिवाइड में चल जाता है, तो 1/KC हो जाएगा। तो फ्रॉम मैनिपुलेशन 1 KC की वैल्यू हो गई 5 × 5, क्योंकि स्क्वायर करें तो 25 आ गया। और फ्रॉम मैनिपुलेशन 2, जब हमने उसको इन्वर्ट कर दिया तो KC की वैल्यू होगी 1/25 और SS की वैल्यू होती है 0.04। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो आप इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। ओके, हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन, यानी कि इसमें जो पहला वाला पार्ट था उसका लास्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो इसमें बोला है कि जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन डालते हैं, आर्गन क्या हुआ हमारा? देखिए अब इसमें बोलेंगे आप आर्गन ही क्यों डाल रहे हो, तो देखिए आर्गन जो होता है हमारा वो हमारा इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस। तो आपने जब पढ़ा होगा यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड टेम्परेचर बढ़ाने पे, प्रेशर कम करने पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो उसमें एक ऑन एडिंग इनर्ट गैस करके एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आता है, ये उस फंडे पे डिपेंड करता है क्वेश्चन। ओके, तो आपने अगर वो चैप्टर में ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो देखिए चालू करते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, क्यों रहेगा? यानी कि देखिए इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ये तीनों केसेस में हमें चारों देखना है, पर ये लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, ये तीनों केसेस में आर्गन डालने पे वो एकदम अनअफेक्टेड रहेगा इक्विलिब्रियम। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी आर एडिंग एन इनर्ट गैस गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, और यही एक बात नहीं है, और एक चीज ये है कि वी आर एडिंग वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमें बोला था कि N2O4 और NO2 के बीच में रिएक्शन दी हुई है, और हमें डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन पे हमारे पास उसका ओके के कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी हुई। तो अभी हम ओके, तो एक ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम रिमेंस अनअफेक्टेड ऑन एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो हमारे पास तीनों रिएक्शन दी हुई है, एच टू प्लस आई टू इन इक्विलिब्रियम विद 2HI, आप बैलेंस कर लेना। फिर PCl5 भी दिया हुआ है, और वो PCl3 में टूट रहा है प्लस Cl2 में टूट रहा है, और N2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2 टाइम्स ऑफ NH3 में टूट रहा है। ओके, NH3। तो इन सब में बोल रहा है ऑन एडिंग आर्गन, तो इसमें हमें इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट क्या होगा वो पूछा है। ओके, तो देखिए पहली बात तो जो आर्गन है ना हमारा, आर्गन आर्गन इज एन इनर्ट गैस। ओके, और इनर्ट गैस के ऐड करने पे द रिएक्शंस डस नॉट शो एनी इक्विलिब्रियम चेंज। ओके, तो इक्विलिब्रियम हमारा चेंज नहीं होता व्हेन वी ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस। ओके, ये आर्गन जो हमारा स्मॉल अमाउंट है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर कौन क्या होगा हमारा? फोर्थ हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा MCQ Type 1 पूरा खत्म होता है, हम नया वाला चालू करते हैं पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा MCQ Type 2।
एमसीक्यू टाइप टू में हम सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर द रिएक्शन एन2ओ फोर गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद टू टाइम्स ऑफ एनओ2 गैसेस, द वैल्यू ऑफ के इज 50 एट 400 केल्विन एंड 1700 एट 500 केल्विन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एनओ2 एंड एन2ओ4 मिक्सड एट 400 केल्विन एट पार्शियल प्रेशर। ओके, हमारे पास पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हमें फिर कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालना है, ये भी देख लेंगे। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजिंग, डेल्टा इसके बारे में बात करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन दी हुई है N2O4 इन इक्विलिब्रियम विद टू टाइम्स ऑफ NO2, ठीक है। हाँ, तो हमें इसकी रिएक्शन के एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होने पर बताना है। तो देखिए, जैसे कि K वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, पहले देखिए K की वैल्यू क्या है, 50। तो टेम्परेचर कितना था, 400 केल्विन। जैसे ही K की वैल्यू 1700 हुई, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो गई, 500। तो जब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। सो एस के इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो ये बात भी आपको देखनी। तो देखिए, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि K जो होता है, K इज इक्वल टू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड होता है। अगर आपके पास कोई रिएक्शन दी हुई तो उसके फॉरवर्ड जाने का रेट और बैकवर्ड जाने का रेट को ही हम K कहते हैं। ओके, तो इससे हमें पता चल रहा है कि के एफ इंक्रीज करेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। ओके, तो पैन के एफ इंक्रीजेस द रिएक्शन गोस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ओके, जैसे जैसे रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाती है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब ये मत पूछना कि आपने एंडोथर्मिक कैसे लिखा। देखिए, आपके पास जब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के फॉरवर्ड हो जाने पे बैकवर्ड जाने पे आपको सारी प्रॉपर्टीज पता रहना चाहिए कि अगर फॉरवर्ड जा रही है तो एंडोथर्मिक क्या होगी या एक्सोथर्मिक। आपको बस इतना पता करना है कि रिएक्शन किस साइड जा रही है, जिस साइड जाती है उस साइड एंडोथर्मिक होता है, यानी फॉरवर्ड जा रही है तो एंडोथर्मिक, बैक साइड जा रही है तो एक्सोथर्मिक होता है। हीट रिलीज होती है, इसमें हीट लगती है। ओके, तो ए ऑप्शन तो इसका करेक्ट है। ओके, अब हमें सारे ऑप्शन चेक करना है, तो बी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, एंडोथर्मिक हो गया तो एक्सोथर्मिक तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, तो इसको तो हम कट कर देंगे। तो सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में बोला ओके, तो हम इसे डायरेक्ट एट 400 केल्विन दिया है और उसमें हमें के की वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली ये होता है क्यू इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4, क्योंकि रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, लेकिन इसका कोफिशियंट 1 है तो इसके पावर में 1 आएगा, इसका कोफिशियंट 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास सभी का प्रेशर दिया है, इसका कितना दिया है, ओके 20 बार दिया है, और हमें यूनिट में चेंज नहीं करना क्योंकि सब अपॉन में, तो कुछ नहीं करना उसमें, अपॉन में 20 स्क्वायर करते थे और डिवाइड बाई 2 काट लीजिए आप, तो क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200। तो देखिए, हमने के की वैल्यू कितनी लाई थी, ठीक है, हमने जो पिछली बार के लाया था उसकी वैल्यू 400 केल्विन थी हमारी, के इज इक्वल टू 50 था एट 400 केल्विन, और क्यू की वैल्यू हमारी ज्यादा है एज कम्पेयर टू के। और जब क्यू की वैल्यू के से ज्यादा होती है तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम वेल बी शिफ्टेड बैकवर्ड। ओके, नहीं क्यों, हमारी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, और इससे क्या बनेगा, टू फॉर्म मोर N2O4। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ, आपको ऑप्शन भी टिक कराते जाऊंगा, तो आप गलत गलत टिक कर लेंगे। ओके, तो डी ऑप्शन दिखते हैं। डी ऑप्शन में एंट्रोपी के बारे में बात करिए, तो डी ऑप्शन, अब देखिए, जब रिएक्शन इज यानी कि जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, देखिए N2O4 ऊपर लेता मैं आपको, ऊपर चलते पेज पे देखिए, यहाँ 1 मोल था, यहाँ 2 मोल है, तो देखिए 1 मोल से ज्यादा 2 मोल बढ़ रहे। देखिए नंबर ऑफ नीचे लिख सकते हैं इसके रीजन में, टी में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। ओके, तो जो हमारी एंट्रोपी होगी, देखिए अगर रैंडमनेस से अगर आपके पास कोई चीज है छूट चुकी है, यानी कि एक चीज है और वो तीन चार चीजों में टूट जाए, तो यानी कि उसमें कुछ हलचल हुई होगी ना, और वही हलचल को हम एंट्रोपी के टर्म में मेजर करते हैं, एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसका आंसर डी सही है। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस ऑफ अ प्योर सस्पेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइंस द रेस्ट टेम्परेचर। तो देखते हैं इसे,
तो हमें यहाँ बोला है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और सॉलिड और लिक्विड के फेजेस के बारे में बात करनी है और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो चलिए यहाँ पे अभी हम टेम्परेचर के बारे में बात करनी पड़ेगी, जिससे हम इक्विलिब्रियम के बारे में बता सके। ओके, तो देखिए जो हमारा पहला है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ओके, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो होते हैं बेसिकली, वो होते हैं मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। ओके, क्या समझा? ये हमारा जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है, और एक ऑप्शन कौन सा, फोर्थ, ये फ्रीजिंग, ये आपको सब याद रहना चाहिए, चैप्टर में सब पढ़ाया गया। तो ओके, और देखिए जो दो चीज होती है, ये देखिए याद करने वाली चीज, जब ये दो चीज होती है, ये मेजर की जाती है, मेजर्ड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये दोनों चीज को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेजर कर सकते हैं, तो इन्हीं से हम इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये दोनों नहीं होते। ओके, ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं होते, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही है कि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से, यानी कि प्रेशर चेंज करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट तो देखिए वो एकदम फिक्स्ड है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी किसी का फिक्स रहता है, ये बात। तो इस तरीके से आप देखें। ओके, तो दो ही क्वेश्चन थे, पता नहीं क्यों, पर बहुत कम क्वेश्चन थे। ठीक है, कोई नहीं, हम थर्ड पार्ट पे करते हैं, उस पर बहुत क्वेश्चन होंगे, थर्ड लिखते हैं, शॉर्ट आंसर तो। ओके, छोटे टाइप के क्वेश्चन है बोल रहे हैं, पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं, 2 मिनट दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट, पानी पीना चला गया था, कोई नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं। द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इन वाटर इज गिवन बिलो। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा HCl, उसको वाटर में जब हम डालेंगे तो आयनाइज कर जाता है, उसकी रिएक्शन दी हुई है, HCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड को जब हम इक्विलिब्रियम में लिखेंगे तो H3O पॉजिटिव बना रहा है एक्वस फॉर्म में, प्लस Cl माइनस, क्योंकि सब पानी में हो रहा है ना, तो सब एक्वस है। ओके, तो हमें इनका लेवल 2 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ओके, तो हमें इनके एसिड बेस पेयर बनाना। तो देखिए मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगा कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ओके, ये सब आपको पता होगा। तो देखिए जो पहले हम HCl कर रहे थे, HCl हमारा एसिड हो गया, तो एसिड का हमको कॉन्जुगेट बेस लिखना पड़ेगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट गेट बेस। ओके, देखिए ये एच प्लस है, ये सी एल माइनस है, एच प्लस जब एच प्लस जब एसिड टूटता है तो एच प्लस आयन डिनोट यानी कि छोड़ता है, रिलीज करता है, और सी एल माइनस, तो जो सी एल माइनस होता है वो हमारा उसका कॉन्जुगेट बेसिक पार्ट होता है एस सी एल का। ओके, तो ये आपको देखते आ जाना चाहिए बाय सीइंग द आयोनिक कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब हम H2O का देखते हैं, H2O हमारा देखिए एक बेस होता है, अब H2O बेस है तो इसको हमें कॉन्जुगेट एसिड देखना है, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा हमारा H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड, तो यही आपको लिखना था, यही हमारे एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी इजी सा था, क्वेश्चन नंबर 23 का था, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर व्हेन द सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू वाटर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एंड हाउ इज इट अफेक्टेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, तो देखिए जब आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ ग्लूकोज है, शुगर में ग्लूकोज होता है ना बेसिकली, जब आप पानी में डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन आप जब उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl डाल देते हैं वाटर में, तो यानी कि हम देखते भी है कि आप जैसे 9th 10th में आपको कोई एक्सपेरिमेंट कराया होगा, तो उसमें आपको एक बीकर ले लेते थे, उसमें हम पानी डालते थे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देते थे, लेकिन अगर हम उसमें NaCl डाल दें, यानी कि नमक वाला खारा पानी डाल दें, तो और जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, तो वो ऐसे क्यों करता था ये बताना है हमको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है, शुगर डालने पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो देखिए इसका रिएक्शन रीजन ये होता है, शुगर बीइंग एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो जो शुगर होता है, अब देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये वाटर में आयोनाइज नहीं होगा, ओके, डस नॉट आयोनाइजेस वाटर, लेकिन जो हमारा NaCl होता है, NaCl
इसमें Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन होता है। तो जब ये वाटर में जाता है, वाटर में वो आयनाइज कर जाता है, इट आयनाइजेस इन वाटर। वो भी ऐसा है नहीं कि पार्शियली थोड़ा बहुत कर लिया, ये एकदम कंप्लीटली लिखना चाहिए, कंप्लीटली। ओके, कंप्लीटली आयनाइजेशन वाटर। ओके, और ये आयनाइज करने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, वही Na प्लस Cl माइनस। ओके, और ये बेसिकली देखिए, आपके पास अगर कोई आयन्स टूट रहे प्लस माइनस, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की बेसिकली रिक्वायर्स चार्जेस, तो दैट्स वाई दस NaCl सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वाइल ग्लूकोज, और ग्लूकोज में लिखते हुए हम ऐसे लिखते शुगर सॉल्यूशन दस नौ। ओके, और एक और चीज बता दूं मैं, जैसे जैसे हम NaCl का कंसंट्रेशन, NaCl का कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारे जो कंडक्टेंस है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखते हैं। तो बेसिकली जो भी चीज़ पानी में जाने के बाद आयन्स में टूटेगी, फ्री आयन्स बनाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस में यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करेगी। ओके, तो ये आपको आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी है, आपको अगर थोड़े बहुत पढ़ने क्लियर होंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ज्यादा तो है नहीं। देखिए वो जो हमने पिछली बार कुछ दो तीन रिएक्शन करी थी, जैसे ये वाली रिएक्शन थी, तो इनमें ही थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, वो भी स्क्वायर निकालना था, डिवाइड करना था, बस हो गया। बाकी तो सब इजी इजी है, सिंपल फंडे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है BF3 डज नॉट हैव प्रोटॉन बट स्टिल एक्ट। हाँ, ये हमने यानी कि पिछले कल एनसीक्यू में हमने पढ़ा भी था, BF3 हमारा यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है और वो लेस एसिड होता है, ये भी बात करते हैं। तो अब ये बोला है ओके, बट स्टिल एक्ट्स एज एसिड एंड रिएक्ट्स विद एनएसटी, व्हाई इज इट सो, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। ओके, तो BF3 और एनएसटी के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, उसके बीच में रिएक्शन के बारे में बात करनी बेसिकली। ओके, तो देखिए जो हमारा BF3 होता है, BF3 ऐसा शायद ही कोई होगा जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, जेई की एग्जाम दे रहा है, उसको BF3 नहीं पता कि हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ओके, डिफिशियंट डिफिशियंट कंपाउंड होता है। ओके, तो देखिए अब देखिए, जब आपको पता ही है लेविस एसिड, लेविस एसिड, लेविस एसिड की प्रॉपर्टी होती है, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है तो वो लेविस एसिड है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और हमारा जो देखिए, अभी आपको मैंने एक चीज बता दिया, आप बस इतना ध्यान रखिए, BF3 हो गया हमारा लेविस एसिड। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, NH3। तो देखिए NH3 के पास क्या होता है पता है क्या, NH3 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, नाइट्रोजन का ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा ऐसा, और एक लोन पेयर होता है। ओके, लोन पेयर, देखिए वन वन लोन पेयर हुआ। ओके, तो ये एक्ट करता है एज अ एस अ देखिए इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्ट एज अ एक्ट एज अ लेविस बेस। तो देखिए हमें लेविस एसिड और लेविस बेस हो गया, तो आप बोल रहे थे कि ये देखिए इसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू। ओके, तो यही फॉर्म है, देखिए इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होता है, लेविस एसिड बेस रिएक्शन, और इनके बीच में फॉर्म यानी कि बॉन्ड हमारा कुछ ऐसा फॉर्म होता है। देखिए NH3 हो गया ये हमारा। ओके, और ये BF3, तो देखिए BF3 का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आइटम था, यहाँ पे कुछ नहीं था ना, 2 इलेक्ट्रॉन खाली था, और इसका लोन पेयर इसके साथ ऐसे कंबाइन करते। ओके, और जो देता है उसके साइड में यानी जिसको देता है वो, उसके साइड में एरो आता है, तो इसका कुछ ऐसा बनता है NH3, ऐसा कुछ बनता है, आपने ऐसी रिएक्शन भी पढ़ी होगी। ओके, तो इस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 भी इजी था, बस आपको याद रहना लोन पेयर और यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, लेविस एसिड, लेविस बेस, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आती होगी, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है आयनाइजेशन कंटेन्स कॉन्स्टेंट ऑफ अ वीक बेस MOH इज गिवन बाय एक्सप्रेशन KB इज इक्वल टू MOK, यानी कि अगर आपने मैं यहाँ रिएक्शन लिखा देता, ये MOH है, और जब आप इसे ऐसे तोड़ेंगे और M प्लस
OH माइनस में टूटेगा, तो उसका जो यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट वो लिखा था। ओके, वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सम वीक बेसिस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये कुछ दिया है उस बेस का कांस्टेंट। ओके, जैसे डाइमिथाइलामीन, यूरिया, पिरिडीन, अमोनिया, ये सब देखो। अरेंज द बेसिस इन द इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ देयर आयनाइजेशन। ओके, तो देखिए इसमें हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एट इक्विलिब्रियम। और हम अभी यहाँ पे एसिड की बात नहीं, हम यहाँ बेस की बात करें, ये आपको ध्यान रखना। ओके, देखिए बेसिकली इसका एक फंडा होता है, क्या होता है देखिए, ग्रेटर द आयनाइजेशन आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट। ओके, ये कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं, के बी ऑफ अ बेस। अभी देखिए आपको एसिड के बारे में, आप जब भी आयनाइजेशन बोलते तो एसिड का मोस्ट हम एसिड ही समझ लेते, लेकिन एसिड यहाँ बेस की भी बात हो सकती है। तो ऑफ अ बेस, जब हमारा आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट किसी बेस का ज्यादा होगा तो ग्रेटर द आयनाइजेशन ऑफ द बेस। ओके, जितना ज्यादा आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट होगा उतना ज्यादा उसका आयनाइजेशन होगा उस बेस का। ओके, बेस। तो इसी के हिसाब से हम अब हमें क्या पूछा है। ओके, हमें ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट, ओके 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 सर, ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट, ओके ये पूछा है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको जिसका सबसे ज्यादा के भी दिख रहा होगा उसके सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एक्सटेंट होगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है डाई मिथाइल अमाइन, इसका सबसे ज्यादा दिख रहा है, फिर अमोनिया है। ओके, और उसके बाद में अपना आ जाता है पिरिडीन, और फिर यूरिया, क्योंकि 10^-14 तो बहुत ही छोटा हो गया। ओके, तो इजीली आपको देख रहे हैं, इससे हमें पता चला कि ये जो हमारा है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट बेस है। क्यों है? ड्यू टू मैक्सिमम के बी वैल्यू। ओके, तो जिसका ज्यादा के बी वैल्यू होगा उसकी उतनी आयनाइजेशन पावर ज्यादा होगी, वो उतना जल्दी डिसोसिएट करेगा। ओके, तो ओके, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बोला है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ वीक बेस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। ओके, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो हमारे पास कुछ कॉन्जुगेट बेसिस दिए हैं, हमें उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए, तो पहले कॉन्जुगेट बेसिस लिख देते हैं उनके करस्पॉन्डिंग, कॉन्जुगेट बेसिस, सॉरी हमारे पास कॉन्जुगेट बेस तो दिया, हमें एसिड लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ गिवन बेसिस। ओके, हमारे पास जो बेसिस दिए उनके हिसाब से हमें देखना है। जैसे ओ एच है तो मुझे समझ आ गया वो H2 है, फिर आर ओ एच हो जाएगा, वैसे इसकी H3CO बेसिकली एसिडिक एसिड, और ये HCl हो जाएगा सिंपल। हमने एक दो ऐसे कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला एक क्वेश्चन किया था पिछली बार। तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ देखते क्या होता है। तो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हमारे लिए इजी पड़ता है, तो हम उसके बाद में उसको उल्टा कर देंगे। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, HCl का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर CH3COOH, ये आपको पढ़ा होगा। ओके, और ये देखिए आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें, ये आपको मेरे ख्याल से लिखा दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। ओके, एकदम मैंने, और HCl के बारे में तो आप बोलिए मत, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, आप इसका आप उल्टा कर दीजिए, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उल्ट यानी कि इन्वर्ट कर दीजिए, इन्वर्ट। तो इन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आर ओ निगेटिव का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर ओ एच निगेटिव का आ जाएगा सबसे ज्यादा, फिर CH3COOH का सबसे ज्यादा आ जाएगा। ओके, CH3CO इसे इरेज कर, हमें ये नहीं हो रहा है तो ये माइनस कर लीजिए आप, और सबसे कम हो जाएगा उसका HCl का जो कि है। ओके, फिर से मैंने, ओके ये इरेज हो गया CL माइनस, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। ओके, हमें पीएच के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। KNO3, CH3, COONH, NH4, CN और C6H5, COONH4। ओके, हमारे पास चार कंपाउंड एलिमेंट दिए हुए, तो चलिए इनको देखते हैं। पहला देखते हैं KNO3। KNO3 क्या हो गया बेसिकली? इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। ओके, सॉल्ट, देखिए ये क्या होगा, KCl प्लस HNO3, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं तब हमारा ये सॉल्ट बनता है। ओके, और इसका सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल होता है। ये सारी चीज आपको पता होगी। इसका पीएच कितना हो गया? 7 आ गया। आप देखते हैं CH3COONA के बारे में, ये क्या है हमारा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl और CH3COOH वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। ओके, तो इसका पीएच क्या होगा पता है क्या? देखिए जब ऐसा रिएक्शन होता है, देखिए आपके पास चार पांच कंडीशन केसेस होते थे जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते हैं तो उसका पीएच नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा आता है। ठीक है, अब वहीं पे हमारा NH4Cl देख लेते हैं। तो NH4Cl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, HCl, और हमारा NH4OH हमारा वीक बेस उसमें रिएक्ट करेगा, तो इसमें प्लस वीक बेस, और ये सब सॉल्ट है। ओके, और यहाँ लिख देता मैं, ऑल आर सॉल्ट, यानी आप एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट ही तो फॉर्म होगा। जैसे अपना फेमस एग्जांपल NaCl, NaOH प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो उसी टाइप से जब आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एसिड और बेस डालेंगे, कोई भी कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी पीएच में डिफरेंस आएगा। तो देखिए इस केस में आपका जो एसिडिटी आएगा वो पीएच हमारा थोड़ा सा कम आएगा, जैसे उसका है उसका जस्ट अपोजिट है। अब एक और एग्जांपल दिया यहाँ पर। ओके, ये देख लेते, C6H5COONH4। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म हुआ, ये वाला C6H5OH और NH4OH के दोनों वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों वीक एसिड वीक बेस रिएक्शन। ओके ओके, मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया, मुझे याद आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, इसलिए वो न्यूट्रल बोलते थे, मैं गलती कर गया था, सॉरी। ओके, तो देखिए इसमें वीक एसिड और वीक बेस है, तो इसमें जो पीएच होगा इसकी, देखिए दोनों रिएक्शन दोनों वीक है, तो इसका पीएच क्लोज टू 7 ही आता है, लेकिन ये स्लाइटली बेसिक साइड से ज्यादा है, ग्रेटर देन 7 हो जाता है इसके। ओके, तो देखिए अगर हम इस हिसाब से ऑर्डर देखें तो हमारा ऑर्डर ऐसा आता है, पहला ऑर्डर ऑफ पीएच हमारा ऐसा आएगा, जो न्यूट्रल है वो तो बीच में रहेगा, कोई कम और कोई ज्यादा। तो जो एन एच और सी एल है हमारा वो सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा क्या होगा, CH3COONA हो जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा हमारा, CH3COONH4 आ जाएगा, और उसके ऊपर में KNO3 आ जाएगा। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में। तो इस टाइप से आप करेंगे सॉल्व। तो आपको बस ऑर्डर ही बताना, तो आपको उसके लिए पहले उनके सॉल्ट के बारे में पता रहना चाहिए कि वो सॉल्ट किस कौन से एसिड और कौन से बेस से फॉर्म हुए, और हर एक अलग अलग टाइप के एसिड बेस रिएक्शन पे आपको पीएच का थोड़ा सा अनुमान लग जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन, ओके, इतना दिया हुआ है 1 × 10⁻⁴। एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, किसी भी टाइम पे हमारे पास एक इनकी कंसंट्रेशन दे दी है, तो इन विच, ओके, तो हमें इसके बारे में डायरेक्शन, तो इसके लिए पूरी रिएक्शन सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए रिएक्शन दी हुई है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ HI गैशियस, यानी इक्विलिब्रियम विद H2 गैशियस प्लस I2 गैशियस। ओके ओके सॉरी, तो पहले हम इसका क्यू निकाल लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें अगर रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है तो पहले क्यू और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें मेजर करना पड़ता है। अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो बैकवर्ड जाती है, लेस देन आ जाती है तो फॉरवर्ड जाती है, इक्वल टू आती है तो इक्विलिब्रियम होती है। तो ये सारी चीजें हैं,
देखिए क्यू की वैल्यू हमारे पास पहले लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एच टू यानी कि एट, और रुकिए मैं आपको एक और चीज लगा देता, एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, इस टाइम पे हम जो वैल्यू निकालते हैं उस क्यू वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो क्यू वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, सेम उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से उसकी निकालते हैं, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और डिवाइड में हम रख देंगे एच आई, और इसका कोफिशियंट 2 है तो डिवाइड उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 × 10⁻⁵ इंटू 1 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। ओके, तो आप ऐसे करना है, ये तो ये कट गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/4 = 0.25, तो हमारी जो क्यू वैल्यू है उसकी वैल्यू है 2.5 × 10⁻¹। मैंने इसमें क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो के है, के की वैल्यू है कहाँ लिखा है हमारा, किसकी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर ओके 28 थी, तो के की वैल्यू है हमारे पास 1 × 10⁻¹। तो हम यहाँ बेसिकली सिंपल सिंपल देख रहा है कि केसी हमारा एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन केसी है, तो जब ये आ जाएगा तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, हेंस दी रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे जैसे हमारी क्यू की वैल्यू बढ़ती है रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, अगर वहाँ अगर हम देख लें क्यू की वैल्यू लेस आती है केसी से तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाती, और अगर हमारी क्यू की वैल्यू इक्वल टू केसी आ जाती तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम हो जाता, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सॉरी पीएच। ओके, ये पीएच को हम कल ही पढ़े थे, पीएच निकालना बहुत सारा करे थे हमने, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। तो पीएच ऑफ 10⁻¹, ओके कंसंट्रेशन दी हुई है, एच सी एल सॉल्यूशन भी 8, ओके हाउ एवर इट इज ऑल्सो दैट लेस देन 7, ओके एक्सपेंडिचर, ओके चलिए चलिए, कुछ हमारे पास हमने कुछ सोचा था आया कुछ और, तो उसके बीच में हमें रीजन दें। तो देखिए हमारे पास कंसंट्रेशन की दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है इक्वल्स टू 10⁻⁸ dm-, देखिए बहुत ज्यादा ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन इस इसकी देखिए इसके बहुत कम आ रही है ना कंसंट्रेशन, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वेरी डाइल्यूट है ये एकदम, तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एस सी पॉजिटिव आयंस का कंसेंट यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, यानी कि जो हमारा एच टू ओ था, एच टू ओ उसने कुछ एस थ्री ओ पॉजिटिव आयन दिया होगा, ओके तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा जो टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव आया, यानी कि हमने हमारे पास कुछ सॉल्यूशन था और उसमें कुछ वाटर का भी आयंस आता है, ओके ये वाटर के आयंस है, ओके तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो 10⁻⁸ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये दिया हुआ है ड्यू टू दिस, ओके इस सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन की वजह से जो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन आ जाएगा ये आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमें जो वाटर का एच टू ओ टूटता है वो एच प्लस प्लस ओ एच माइनस में टूटता है ना, ओके तो इसकी कितनी होती थी, 10⁻¹⁴ डिवाइड 14 करते थे, तो ये बेसिकली ऐसा होता था ना, 10⁻⁷ × 10⁻¹ एच, ये कितना होता था, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच, ओ एच कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ओके तो एच प्लस कितनी आती थी, तो हमें इस बार वी हैव टू इंक्लूड इंक्लूड कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस फ्रॉम वाटर ऑल्सो, और ये दो इट इज वेरी नेग्लिजिबल बट वी कांट लीव, ठीक हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो देखिए फिर हम जब टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव लिखेंगे तो कंसेंट्रेट कितना आ जाएगी, 10⁻⁸ + 10⁻¹ आ जाएगी, ओके और जब हम इससे लिखते हैं तो जो हमारा पीएच आता है, पीएच इज क्लोज 2.7, ओके बट इसी इसी फैक्टर की वजह से बट स्लाइटली लेस देन 7, सो अब देखिए पीएच हमारा 7 से थोड़ा सा लेस हो गया, सो सॉल्यूशन
एस ऐसे ओके। तो हमारा कैलकुलेशन से पीएस तो हमारे 10^8 आना चाहिए, पर वो बेसिकली आता क्या है पता क्या, वो आता है सॉल्यूशन ऑफ HCl इज इक्वल्स टू 6.96 ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज 5, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइल्यूटिंग द गिवन सॉल्यूशन एट 100 टाइम। हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ था, जिसकी पीएच है हमारी 5, ओके। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन, और जब हम इसे डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट टू 100 टाइम्स, 100 टाइम्स हम इसे पतला कर रहे हैं, तो पीएच हमें बतानी है, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि कैलकुलेशन पार्ट है, यानी कि आप जो क्वेश्चन देख रहे थे प्रो अच्छा वाला कैलकुलेशन वो ये है। देखिए इनिशियली हमारे पास पीएच है 5, ओके। पीएच से हमारा क्या तात्पर्य, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस हो गई हमारे 10^5 मोल पर लीटर, ठीक है। अब हम जब डाइल्यूट कर लेंगे ऑन डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या हो जाएगी पता है आप? और डाइल्यूशन क्या कर रहे हैं हम, 100 टाइम से कर रहे हैं, 100 टाइम। तो ये हो जाएगी 10^5 जो पुरानी कंसंट्रेशन थी इंटू 10^-2 हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना है तो हमें कंसंट्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस न्यू आ जाएगी 10^-10। अब हाँ, अब देखिए सिंस इट इज वेरी डाइल्यूट, देखिए अगर आपके पास कोई अच्छी भारी भरकम चीज रहती है, यानी कि मान लीजिए आपके पास गुलाब जामुन है और बहुत सारी यानी अच्छी अच्छी मिठाई है, तो आप यानी कि कोई ऐसे छोटा सा चॉकलेट को थोड़ी इतना ध्यान देंगे, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट है, तो आपके पास अगर कोई छोटी सी भी चॉकलेट होगी तो आप उसे भी कंसिडर करेंगे। तो उसी तरीके से जब आपके पास व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी वेरी मच डाइल्यूट, वी कंसिडर एच प्लस आयंस फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन किया ना हमने, तो वही वाला उसी का यानी कि इम्प्लीकेशन है कह सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन सॉरी। तो टोटल एच प्लस का कंसेंट्रेशन आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव फ्रॉम एसिड जो हमारे पास दिया हुआ है, प्लस यानी स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ था उससे, प्लस H3O पॉजिटिव H2O पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर। तो चलिए करते, तो H3O की हमने निकाल लिया 10^-7 आएगा, और H2O का तो हमें पता ही है 10^-7 आएगा। चलो अच्छा है, इसमें कुछ चेंज नहीं आया, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना हो गया, 2 × 10^-7। अब बस आप पीएच वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 × 10^-7 लिख देंगे आप, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पीएच इज इक्वल टू, और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वही यही होता है, 7 में हम कुछ कम कर देते हैं या फिर कुछ बढ़ा देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए माइनस हो रहा है, और अगर बेस होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि उसमें पीएच हमारी थोड़ी ज्यादा आती, ओके। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, लॉग टू की वैल्यू 0.699 कुछ होती है, तो पीएच रिजल्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 6.6990, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट गेट्स प्रेसिपिटेटेड ओनली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस इन दिस सॉल्यूशन QSP बिकम्स ग्रेटर देन इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज 8 × 10^-4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन 0.01 मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2SO, ओके। तो इसमें देखिए सॉलिबिलिटी का सवाल है, तो इसके लिए आपको पता है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसमें आपको पहले पूरी रिएक्शन लेते आना चाहिए। तो हमें हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है BaSO, चलिए चालू करते पहले रिएक्शन लिखेंगे, सबसे पहले BaSO4। जब BaSO4 टूटता है तो देखिए सिंपल वही आयन टूटने में Ba+2+SO4-2, ओके। लेकिन एट जब कुछ नहीं था, एट टाइम टी इक्वल टू 0, तो इनका कंसेंट्रेशन कितना था, 1 था इसका, इसका 0 था और इसका भी 0 था। और फिर देखते हैं एट इक्विलिब्रियम इन वाटर, एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम, जब वाटर में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, यानी कि जब वाटर दोनों में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब इसमें से कुछ एस एस सॉल्युबिलिटी यानी कि कुछ प्रोडक्ट सॉल्युबल चला गया, BSO4 का कुछ मोल सॉल्युबल हो गया, तो 1 - S कर दिया हमने, और हम सॉल्युबिलिटी से डिनोट करते हैं एस को, तो हमारे लिए इजी पड़ेगा ओके, क्योंकि जितना इधर फॉर्म होता है उतना उधर भी फॉर्म होता है। अब देखिए हमारे पास फिर क्या बोला है, देखिए प्रोडक्ट में द सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इतना वाटर, और उसके बाद में हमारे पास H2SO4 भी है, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी चेक करना हमारा, तो एट इक्विलिब्रियम इन एसिड ओके, तो जब एसिड में होगा तब उसमें से भी कुछ सॉल्युबिलिटी जाएगा एस एस, और इसमें एस प्लस क्या होगा 0.01, तो ये कहाँ से लिखा मैंने, देखिए यहाँ से लिखा इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, KSP ऑफ BaSO4 इन वाटर, अभी हम सिर्फ वाटर के देखें, वाटर के लगाएंगे तो Pa+2 का कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2 ओके, तो कितना दिया हुआ है देखिए ये दिया हुआ है, तो S × S हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी S², तो KSP की वैल्यू आ जाएगी S² कितना दिया हुआ है, S की वैल्यू दी हुई है 8 × 10⁻⁴, तो कितना हो जाएगा, और हाँ ये देखिए ये जो S है ना, ये जो मैंने S लिखा ये वाला S, ये ऊपर वाला S है ठीक है, और ये वाला हमने जो ये देखिए इसके कारण ऐड हुआ है H2SO4 के कारण, उसकी सॉलिबिलिटी डायरेक्टली हमने वहाँ पे ओके, तो KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 10⁻⁴ का आप जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इतनी आती है 64 × 10⁻⁸ ओके, तो चलिए एट वाटर की कंडीशन में आ गया, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जब H2SO4 भी ऐड हो जाएगा तब KSP की वैल्यू कितनी आती है S × S+0.01 आ गया, तो अब जो हमारा KSP है, KSP बिंग कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमारे पास सिंपल वैल्यू आएगी ना, तो S × S+ हम नेगलेक्ट कर रहे हैं उसके चेंज को, और जो हमारे पास पिछला वाला KSP वर्ड था उससे इक्वेट करेंगे हम, क्योंकि सेम ही वैल्यू देखिए लगभग उतनी ही है ठीक है, तो हम उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे और हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁸ लिख देंगे, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू एक आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आती है 0.01S − 64 × 10⁻⁸ = 0, देखिए ये आपको लिखना जरूरी है। अब देखिए अब यहाँ पे आपका मैथमेटिकल पार्ट है, तो अगर आपको मैथ्स में थोड़े कमजोर होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, अगर आप मैथ में बहुत स्ट्रांग है तो इजीली हो जाएगा, तो अब आपको पता है क्या लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास वो रहता था डी का फॉर्मूला D=2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर फाइंडिंग रूट्स क्या था हमारा, एक्स की वैल्यू क्या आती थी, यहाँ पे हमारा एस है तो हम एस से डिनोट करेंगे, S = −B + −√B²−4AC/2 ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है 0.01 है, और सी की वैल्यू क्या दी हुई है 60 − 64 × 10⁻⁸ ओके, ये वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं, माइनस में 0.01 रखेंगे, प्लस माइनस में अंडर रूट में रखेंगे 0.01 का होल स्क्वायर B² + 4 × 64 × 10⁻⁸ रख देंगे ओके, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे सिंपली, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू कुछ इतनी आती है, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है 6 × 10⁻⁵ मोल, और ये आंसर डेसीमीटर में आएगा, तो इस तरीके आपके पास सॉल्युबिलिटी आएगी, तो आपसे वही पूछा है सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्युबिलिटी इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके लिखना है ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा मैथमेटिकल फंडा लगाना पड़ा इसमें ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है पीएच ऑफ 0.08 मोल डेसीमीटर क्यूब HOCl सॉल्यूशन इज 2.85 ओके, कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट ओके, तो चलिए ये देख लेते हैं, ये इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीएच ऑफ HOCl दिया हुआ है 2.85 दिया है ओके इजी, अब हम माइनस ऑफ पीएच करते हैं कितना हो जाएगा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, मैंने बस पीएच की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस होता है, मैंने उसे उल्टा कर दी, के ऊपर अभी मैं बता रहा हूँ आपको देखिए, और 2.85
पीएच की वैल्यू रखा -2.85 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H+। ओके, अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंसेंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू हो जाएगी, लॉग के अंदर क्या होता है, लॉग के अंदर 2 होता है, तो 2 की पावर में ऊपर चल जाता है, तो इसकी वैल्यू कुछ इतनी आती है 1.413 × 10⁻³। ये भी मैथमेटिकल पार्ट है, तो इजी था ये भी, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अगले लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे। ओके, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक, ओके 32 तक कर लिए, तो ज्यादा क्वेश्चन बचते नहीं है, 10-20 क्वेश्चन बचते हैं, तो लास्ट वाले कल एक लास्ट लेक्चर लेंगे और उसमें हम ट्राई करेंगे कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करा ले। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आप आगे के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।